हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विथ फरा। आज मैं आपके लिए ऐसे सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं जब भी आप किसी रिश्तेदार से बात करते हैं या फिर किसी फ्रेंड्स वगैरह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। या तो रोज़ की बात है, इट इज़ एवरी डे अकरेंस, आप लोग दोस्त वगैरह से बोलते हैं, या तो रोज़ की बात है, इट इज़ एवरी डे अकरेंस, इट इज़ एवरी डे अकरेंस, या तो रोज़ की बात है। रोहन किस तरह का आदमी है, आप पूछते हैं फ्रेंड से कि किस तरह का आदमी है, तो वो बोलते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी, वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ रोहन, वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ रोहन, वॉट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज़ रोहन। आज तुम इतने लेट क्यों हो, कई बार टीचर्स पूछते हैं बच्चों से कि आज इतने लेट क्यों हो, तो उसकी इंग्लिश होगी, वाई आर यू सो लेट टुडे, वाई आर यू सो लेट टुडे। यह तो सचमुच अच्छी खबर है, दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़, दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़, यह तो सचमुच अच्छी खबर है। ऐसे ही रिएक्शन होता है जब कोई अच्छी खबर आती है, तो दिस इज़ इंडीड गुड न्यूज़। ही इज़ हेल्पलेस, वह लाचार है, वह लाचार है, इसकी इंग्लिश होगी, ही इज़ हेल्पलेस, ही इज़ हेल्पलेस, वह लाचार है। तुम हमेशा यही कहते हो, दिस इज़ वॉट यू ऑलवेज से, दिस इज़ वॉट यू ऑलवेज से, इस तरह के कॉन्वर्जेशन कई बार यूज़ होते हैं घर पे, बाहर, हर जगह, तो आप प्लीज़ इसे रिवाइज कीजिए मेरे साथ। इसके इरादे सही नहीं है, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड, उसके इरादे सही नहीं है, हिज इंटेंशंस आर नॉट गुड। वह एक नंबर का बेवकूफ़ है, ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ही इज़ स्टूपिड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वह एक नंबर का बेवकूफ़ है। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, कई बार हम लोग हर्ट कर देते हैं किसी को अनइंटेंशनली, तो हम लोग यही बोलते, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल, सच वॉज नॉट माई इंटेंशन एट ऑल। वह सफलता के नशे में चूर है, कई बार लोग भूल जाते हैं अपने आस पास के लोग, परिवार को, तो उसकी इंग्लिश होगी, ही इज़ ड्रंक विथ सक्सेस, वह सफलता के नशे में चूर है, ही इज़ ड्रंक विथ सक्सेस। दादाजी कुछ ऊँचा सुनते हैं, तो वो इसकी इंग्लिश होगी, ग्रैंड फादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ग्रैंड फादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊँचा सुनते हैं। या ट्रीट मेरी तरफ से, कई बार कुछ काम हो जाता है या फिर रिजल्ट अच्छे, मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, तो दोस्त बोलते हैं ट्रीट दीजिए, तो फिर बोलते हैं, या ये ट्रीट मेरी तरफ से, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी, दिस ट्रीट इज़ ऑन मी। आगे कैसी रोड है, हाउ इज़ रोड अहेड, हाउ इज़ रोड अहेड, आगे कैसी रोड है, कई बार लोग ये भी पूछते हैं राह चलते। उत्तर मेरी ज़बान पर है, दिस आंसर इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, उत्तर मेरी ज़बान पर है, दिस आंसर इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, दिस आंसर इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। मैं दुविधा में हूँ कि मैं क्या करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी, आई एम इन डिलेमा, आई एम इन डिलेमा, मैं दुविधा में हूँ, आई एम इन डिलेमा। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो, कई बार लोग अपने बारे में दूसरों के सोचते हैं लेकिन अपने बारे में बहुत केयरलेस हो जाते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम नॉट आफ्टर मनी, मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, आई एम नॉट आफ्टर मनी, बाकी सब ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, सब पूछते क्या हाल चाल है, तो कहते हैं हाँ ये थोड़ा बहुत है लेकिन बाकी सब ठीक है, तो उसकी इंग्लिश होगी, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। सड़क मरम्मत के लिए बंद है, द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग, द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग, द रोड इज़ क्लोज्ड फॉर रिपेयरिंग, सड़क मरम्मत के लिए बंद है। तुम जब देखो कुछ ना कुछ उल्टे काम करते रहते हो, यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ, मम्मी लोग बच्चों से यही डांटती हैं, उन बच्चों को बोलती हैं यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर watching my video, and please like, share and subscribe, and don't forget to click the bell icon. Thank you once again.